चलिए आपको गांव का नज़ारा दिखा देते हैं। हेलो गाइस, बिंदास मोटिवेशन व्लॉग। आज तो आप लोगों को सही से आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है और माइक है ये, यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी। और आप लोग मेरे गांव का मौसम देख लीजिए, सर्दी में और कोहरा बदरी के साथ। सुबह के बज रहे हैं 7, अभी रोड पे खड़े हैं और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके का नज़ारा होता है। ये वो मैदान है जहाँ पे हम सब मैच खेलते हैं। कोहरा इतना ज़्यादा तो नहीं है कि आसपास में ही ना दिखे, बट कुछ है कोहरा, थोड़ा बहुत तो है ही। ये लोमड़ी जा रही है, यहाँ पे देख लीजिए, इतना ज़्यादा सन्नाटा है कि लोमड़ी भी जा रही है। ये खड़ी हो गई वहाँ पे। यहाँ भी एक खेत है और ये काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है, यहीं पे सब मैच खेलते हैं। एक ये मैदान है, जब से खेत खाली होगा यहाँ पे मैच खेलने में भी मज़ा आता है। और सामने की तरफ देखें तो दूसरा वो मैदान है, वहाँ भी मैच खेलते हैं, वहाँ बहुत काफ़ी दिनों से मैच खेलते हैं, हम सब बचपन से ही वहीं मैच खेल रहे थे और ज़्यादातर मैच वहीं पे होते हैं। और ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान देख लीजिए किस तरीके का है। ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे एकदम सुकून शांति का माहौल है। और दूसरी तरफ बात करें तो ये कुड़वा है, ये है कुड़वा का चौराहा और यहाँ पे 10 से 12 दुकानें हैं, जो कि 5 दुकानें चालू हैं। एक डॉक्टर की है, दूसरी नाई की है और तीसरी परचून की और चौथी खाद की और पांचवी है सिलाई की। तो ये अभी हम सामने से नज़ारा दिखाएंगे इसका। और ये कुड़वा चौराहा खुलेगा सुबह में 9 से 9:30 बजे, जो कि यहाँ सुबह में कोई भी दुकानें नहीं खुलती हैं, सिर्फ आपको अहिरगांव बाज़ार में सिर्फ एक दुकान खुली मिलेगी जो कि दूध मिलता है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ कभी भी जा सकते हो। फिर बाकी मैदान पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं। और चलिए आपको बाज़ार मंडी दिखा देते हैं। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं अहिरगांव बाज़ार और बाज़ार का नज़ारा आपको दिखाएंगे। कल मंडी लगी थी और वो सीन भी मैं आपको दिखा दूंगा, कल मंडी लगी थी वो सीन दिखा दूंगा। और आज देख लीजिए किस तरीके का सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो चलिए आपको मंडी दिखाते हैं, बाज़ार। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये मंडी है, देख लीजिए, कल बाज़ार लगी हुई थी और आज सन्नाटा है।
सबमर्सिबल भी लगा है और ऊपर टंकी भी रखी है। ये वो तालाब है जिसमें मछली पाले हुए थे और अभी खाली कर चुके हैं, मछली निकाल चुके हैं और पानी भी निकाले थे इसलिए पानी कम पड़ गया। सो गाइस, वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ।